इसका टेस्ट मतलब मेरे हिसाब से चौगुना हो गया, पहले तो दूध से अब ड्राई फ्रूट से, तो मतलब बिना खाए मैं तो बता सकता हूँ ये कैसी रेसिपी, एकदम मस्त की भी मस्त है। यार मूंग दाल का तो मस्त है, दिखने में पता लग रहा है देखो। हाय फैमिली, तो आज हम आए हैं जयपुर में उर्मिला बंसल जी के, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो सभी को पहले तो हेलो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उर्मिला जी की किचन में। सबको मेरा नमस्कार। आज अनीता जैन जी मेरे यहाँ आई हैं और देखिए हम दोनों मिलकर कोई एक रेसिपी बनाते हैं। हम आए थे प्रिया सरदान जी के घर पे, तब उनके किट्टी थी, तभी हमें वहाँ पे मिले, तो अरे आप तो अनीता जी हो, देखते ही इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो मैंने कहा आप मुझे कैसे पहचानते, बोले मैं आपकी रेसिपी देखती हूँ और काफ़ी अच्छी मैं लगती इनके है। बहुत फैन हूँ, हमेशा से मम्मा की रसोई देखती रही हूँ, तो मैं आपको एक रेसिपी दूंगी। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं कभी प्रोग्राम, तो आज वो शुभ दिन आया मेरे लिए, तो आज ये बनाएंगे। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का हलवा, लेकिन लोग मूंग की दाल को भिगोकर और पीसकर फिर बनाते हैं, हम सूखी दाल का ही हलवा बनाएंगे। सूखी दाल का हलवा, हाँ। तो इसको धोके साफ कर लिया होगा? हाँ, इसको पहले मैंने धोके, ये मूंग की दाल है, इसको मैंने पहले एक बार पानी से अच्छी तरह धोके और तुरंत इसको सुखा दिया, और ये करीब आधे घंटे में सूख गई थी, तो ये सूखी धोके सुखाई हुई दाल है। और ये इसी के, ये इतनी जितना ये दाल है उतना ये घी है, उतनी ही ये चीनी है, इसमें ये थोड़ा ये एक सी हाँ दो टेबल स्पून सूजी है, दो टेबल स्पून बेसन है और एक टेबल स्पून सूजी है, मतलब बेसन की आधी आपने सूजी कर दी। हाँ, क्योंकि ये तो एक सीक्रेट है जो हलवाई लोग डालते हैं वरना मूंग की दाल में, जिससे ये थोड़ा सा दानेदार बनता है हलवा। मूंग की दाल में ये सूजी और थोड़ा सा बेसन डाल, थोड़ा सा बेसन, हाँ, इसे डालने से थोड़ा ये हलवा दानेदार बनता है। स्टार्ट करते हैं। हाँ। अब तो मेरे को मतलब मेरे तो मुंह में पानी तो सभी को पता है। हाँ, अब सबसे पहले हम इस दाल को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अगर आप रोस्ट करके घर पे रखते हो, हाँ, बनाने में समय भी मिलेगा। हाँ, रोस्ट करके पीस के रख लो आप। हाँ, पर ये मैंने इसलिए क्योंकि मुझे दिखाना था, दिखाना था। हाँ। अदरवाइज तो आप इसे रोस्ट करके पीस के डिब्बे में भर के रख दो। हाँ। खराब भी नहीं होगा और जब आपको बनाना हो मूंग दाल का हलवा, हाँ, फटाफट बन जाएगा ये। तो मैंने तो इस तरह से नहीं बनाया, तो मैंने कहा मुझे भी सीखने का मौका मिल देगा। तो अगर आप भी कोई भी हमें बुलाना चाहते हैं अपने घर, कोई भी आपकी स्पेशल चीज बनाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये बहुत ही स्वभाव के सरल है अनीता जी, ये हर किसी के यहाँ आ भी जाती है एक बुलावे में ही, और ये खुद तो हैं ही एक्सपर्ट। नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो भी आपके पास हुनर हो आप बाहर निकालिए और पब्लिक को बताइए। एक तरह से हमको भी काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है और हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, हमारा तो वही मोटिव है कि हम ये मैंने ये दूध भी है जो इसमें डालेंगे, केसर डाला हुआ है दूध में। दूध कितना है? दूध तीन कटोरी दूध है ये। अच्छा, इसी कटोरी की माप ली है मैं। अच्छा, तो मैंने तीन कटोरी दूध डाला है, केसर डाल के गरम कर रखा है। हाँ, गरम कर रखा है इसको, फिर से अभी थोड़ा ठंडा हो गया तो वापस गरम कर लेंगे। हाँ, जब इसका कलर थोड़ा पिंकिश हो जाएगा फिर हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे ठंडा करके। हाँ बिल्कुल, अब मिलता है थोड़ी देर बाद। तो इस तरह से इसे, हाँ, और ये दाल सिक चुकी है, थोड़ी सेक ली, अभी इसे मतलब हाफ रोस्ट किया एक तरीके से, पिंकिश का कलर हो गया अभी दाल का। अब इसे बिल्कुल ठंडी होने के बाद इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। हाँ, फाइन, बिल्कुल फाइन नहीं, फाइन नहीं पीसेंगे। अच्छा, दर दरा। हाँ, पल्स पे पीसेंगे, पल्स पे। अब हम इसको एक इसमें निकाल देते हैं एक बर्तन में, ताकि ठंडा हो जाए। आगे हम इसमें इतनी देर ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, और जो जो भी बनाए रेसिपी अपनी इमेजेस शेयर करना, हम हमारे पेज पर भी उसको शेयर करेंगे। इसमें मैंने और कोई दो चम्मच घी डाला है, दो चम्मच घी डाला है, और ये हम इसमें ये रोस्ट करेंगे। काजू बादाम किशमिश पिस्ता, क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, वो अपनी इच्छा है, और ना भी डालो तो भी मूंग दाल में चलता है, चलता है ये, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बहुत टेस्टी लगता है ये। हाँ, लेकिन ड्राई फ्रूट्स है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, तो जब तक ड्राई फ्रूट्स सभी चीज़ में डल जाते हैं तो वो तो डबल। हाँ, वो तो है ही, पर कई बार क्या होता है हम लोग ने अचानक बना लिया, मन में आ गई, घर पे नहीं भी हो तो मूंग दाल में नहीं हो तो भी चलेगा।
हल्के ही करने हैं। हाँ ये रोस्ट हो चुके हैं ड्राई फ्रूट्स। अब ये दाल ठंडी हो गई तो हमने इसको पल्स पे पीस लिया है। एक बार पीस कर थोड़ा इसको छान लिया ताकि ये एक लगातार पीसने से फाइन पाउडर ना बन जाए, क्योंकि हमें थोड़ा इस टाइप का दरदरा पाउडर चाहिए। तो हम इसे एक बार और पीस लेंगे बची हुई दाल को। ये देखो अब ये बिल्कुल सही पाउडर बन गया है। अब इसको नहीं छानोगे? नहीं है जरूर, छान लें, इसको भी छान लेते हैं, थोड़ा सा और मोटा निकल जाएगा। हाँ और ये हमने 3 कप दूध है जिसमें केसर डाल के ये गरम करके रखा हुआ है। 4 चम्मच इसमें घी डाला है, छोटी चम्मच। और इसमें अब सबसे पहले हम इसमें ये सूजी रोस्ट करेंगे। तो 1 टेबल स्पून सूजी है। हाँ और वो बेसन 4 टेबल स्पून, ये बेसन भी इतना ही डालेंगे। बस इतना ही डालोगे, बराबर ही करोगे? हाँ, बस हाँ बराबर ही, ठीक है। फिर सूजी और डालेंगे। ये भी तो भूनोगे? हाँ ये भी भूनोगे, ये भी इसी के साथ भूनोगे? हाँ हाँ। और ये वैसे तो ये दाल रोस्ट करी हुई है लेकिन इसमें कुछ थोड़ा बहुत कच्चापन अगर रह गया होगा तो उसके लिए ये हमने एक बार और इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका बचा खुचा कच्चापन भी बाहर निकल जाए। और आपको घी अगर यहाँ इस में कम लगता है स्टेज पे तो और डाल सकते हैं। घी तो पूरा ही डलेगा क्या? ये घी पूरा ही डलेगा। अच्छा, धीरे धीरे डलेगा, धीरे धीरे डलेगा, एक साथ नहीं कि एक साथ डाल दिया पूरा सेक दिया? घी कई लोग कम घी में खाना पसंद करते हैं, कम घी में भी सिक सकता है। अच्छा हाँ, लेकिन चूंकि मतलब वैसे घी इतना होना चाहिए कि ये इजीली चलाया जा सके, चलाने में तकलीफ ना हो। मतलब ये इससे इसका टेस्ट बढ़ता है और ये खिला खिला बनता है। तो मैंने तो इनसे कहा गर्मियों के मौसम में पूरे घर में फैल गई है। अब इसका इसमें एक सीक्रेट चीज डालेंगे, एक सीक्रेट है ये, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी है, नॉर्मल पानी। हाँ नॉर्मल पानी, आधी कटोरी पानी, आधी नहीं है, 1/4 कटोरी है। इससे क्या होगा कि ये जो हलवा है दानेदार, हाँ ये दानेदार बन जाएगा, खिला खिला बनेगा। और इसको हमने चूंकि पहले भिगोया हुआ भी नहीं था तो ये थोड़ा पानी भी सोख लेगी, इतना खिला खिला एकदम, एक एक दाल का दाना अलग हो गया है इसमें। अच्छा देख रहे हो ना? नहीं जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्रिस्पी या क्या, खिला खिला दानेदार, 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 दानेदार हलवा तब बताएगा। मैं उनको लाइट में दिखाएंगे हम। हाँ अब हम इसमें केसर वाला दूध डाल रहे हैं। 3 कटोरी दूध है, गरम कर लिया, गरम करा हुआ है। और इसमें अब हम ये दूध एक बार थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। वैसे अगर दूध कभी ज़्यादा ना हो, आपके पास मावा हो तो आप मावा भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसको अच्छी तरह चलाएं ताकि इसमें लम्स ना रहें। गैस सिम रखो इस समय। हाँ गैस सिम है और ये रिच हो गया एक तरह से। हाँ। रिच ही है मूंग दाल का हलवा तो सर्दियों के वैसे भी मौसम ये में तो केसर से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। सर्दियों के मौसम में तो बना के रख दीजिए इसे और आराम से रोजाना। हाँ आराम से 2 महीने तक भी फ्रिज में रखो और रोजाना थोड़ा थोड़ा खा सकते हो इसको। ये मेरा आजमा दाल का बनाया हुआ है, इसलिए अगर आप गीली दाल का बनाते हो तो वो शायद कम चले। अब मैंने ये 1 कटोरी दाल थी तो 1 कटोरी ही चीनी ली है। तो चाहिए। हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है इतनी चीनी तो चाहिए ही चाहिए। हाँ बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लगा इसमें लौंग डाल के रखी हुई थी हमने चीनी में। मैं भी रखती हूँ। हाँ तो मैंने कहा लौंग तो आप चीनी में आए। और अगर चीनी में क्योंकि चींटियाँ लग जाती हैं गर्मियों के दिनों में तो बहुत जल्दी, तो हम लोग चीनी में लौंग डाल के रखते हैं ताकि चीनी में चींटियाँ ना लगें। तो बोनस टिप्स मिल गई आपको
अगर अनीता जी ऐसा लग रहा है कि इसमें चीनी कम रहेगी तो थोड़ी और डालेंगे? मुझे तो थोड़ी सी कम लग रही है, मूंग दाल में डेढ़ ही चाहिए, एक कटोरी से तो मुझे तो कम लग रही है। वैसे हम लोग नहीं, चलो थोड़ी क्योंकि इसमें डेढ़ डालेगी, बाकी तो मूंग दाल में मेरे हिसाब से तो डबल डालनी चाहिए। डबल तो नहीं, ज्यादा हो जाएगी। तो आप डेढ़ ही कर दो इसको, डेढ़ कटोरी कर दो, बाकी टेस्ट करके देख लो। एक दूध भी है ना उसमें? नहीं तो दूध तो फीका है बेटा, डलेगी। हलवाइयों जैसा, हाँ। और अब इसमें हम लास्ट में डाल सकते हैं ये रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट हैं जो मैंने पहले से रोस्ट करके रखे, जो इसका टेस्ट और दोगुना कर देगा। इसका टेस्ट मतलब मेरे हिसाब से चौगुना हो गया, पहले तो दूध से अब ड्राई फ्रूट से, तो मतलब बिना खाए मैं तो बता सकता हूँ ये कैसी रेसिपी है, एकदम मस्त की भी मस्त है। मूंग दाल का तो मस्त है, दिखने में पता लग रहा है। देखो ये इलायची मतलब सच में ये एकदम स्पेशल वाली रेसिपी है। देखिए अनीता जी, मैं हाथ लगाई देती हूँ, आपके हाथ लगे बिना टेस्ट भी नहीं आएगा। ये इसमें मैंने डाला इलायची पाउडर, इलायची बना तो मजा ही नहीं है, सारे ड्राई फ्रूट सब फैले इलायची के। खुशबू कैसी आ रही है मेहुल? मेहुल सारे घर में, मेहुल से तो मतलब अब वेट ही नहीं हो रहा। अब मेहुल को ही टेस्ट कराएंगे सबसे पहले। पूरा घी डाल, ये डाल रहे हैं आपको या डाल दें? डाल देते हैं, पूरा डाल दो क्योंकि अच्छा लगे। हाँ ये देखने पूरा घी डाल दिया, एक कटोरी घी हमने लिया था, रिच कर दिया ये, रिच कर दिया। हाँ हलवे बिना ओ, हलवे का मजा के मौसम में तो हलवा और पकौड़ी बना लो, बस आपका डिनर लंच जो भी आप करते हो सब हो जाता है इसमें। हाँ, अब ये घी का हलवे का मजा घी से ही है इसलिए। हाँ, अब ये तो, जब तक इसमें घी थोड़ा तिरेगा नहीं तो ये मजेदार लगेगा नहीं, इसलिए हमने इसमें पूरा घी डाल दिया। वैसे ये कम घी में भी बनाया जा सकता है, अगर आप लोग कोई कम खाना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं। ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा हमने इसको गार्निश करने के लिए ऐसे समझ लीजिए डाल दिया है। अब ये देखिए हलवा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कहीं से भी लग नहीं रहा है। गैस मेरी फुल जल रही है इस टाइम, लेकिन हलवा एकदम घूम रहा है, इसका मतलब बन के रेडी हो गया। चलिए बंद कर, हाँ बन गया हलवा। अब हम गैस बंद कर रहे हैं बिल्कुल, अब देख लीजिए बिल्कुल, अब इसे है टेस्ट करने का टाइम और मस्त एकदम गरम है फुल। हाँ मैं उल टेस्ट करो और बताओ कैसा लगा। टेस्ट करने की मेरे हिसाब से तो जरूरत तो क्या ही बताऊँ मैं, दिखने में ही एकदम स्वादिष्ट लग रहा है। ड्राई फ्रूट केसर, अनीता जी आप भी टेस्ट करो और बताओ। ज़्यादा थोड़ी करा है मैंने नहीं, अपन जितना नॉर्मली मीठा खाते हैं उतना हो गया, ये शायद ये थोड़ा कम खाते हैं तो उतना। डायबिटीज के कारण कम खाते हैं, पर ठीक है ना, सब अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि इसमें डेढ़ा होना चाहिए। हाँ लेकिन हाँ एक कप भी जैसे अगर कम मीठा खाते हैं तो फिर एक कप डाल सकते हैं, मजा नहीं आता हलवे को जब तक अपन मीठा करके। हाँ चलो बराबर का, वैसे बराबर का तो डालते ही हैं, पर थोड़ा सा कम ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें। एकदम मस्त है, मतलब मस्ट ट्राई रेसिपी, मैं 3-4 बार बोल चुका मस्ट ट्राई रेसिपी है, तो आप अपनी इमेज जरूर से शेयर करना, देखते हैं कितने ज्यादा से ज्यादा। जो कह रहा है तो सच ही कह रहा। मैं तो मेहुल को कह रखा है, मेहुल जो एक्चुअल है वो ही बताना मेरे साथ भी है। अगर कभी कोई चीज में नमक ज्यादा हो तो आप नमक ज्यादा ही बोलो। हाँ ये नहीं है कि मम्मी आप तारीफ नहीं करनी, एक्चुअल तारीफ करनी है बस, जितने ज्यादा से ज्यादा आप देखते हैं। इसके लिए तो अनीता जी को और मेहुल को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। नहीं, आपको भी धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपने
सभी हमारे व्यूअर्स को बताइए, मेरे पति देव से भी पूछो कैसा बन रहा है। आए जब से बाबू जी की तारीफ कर रहे हैं तो बनगा, आप भी कुछ दो शब्द कह दीजिए मम्मा की रसोई के लिए। बोलो बोलो दो शब्द। बहुत अच्छा बना है और बाबू जी बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है, बाबू जी है और बड़ी अच्छी इनकी रेसिपीज आती है, मेरी वाइफ देखती रहती है, इसे थोड़ा एक्सपायर इंस्पायर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल एक मोटिवेशन या इंस्पायर काफ़ी। हाँ और ये मेरे को मिली तो मैंने सोचा एक बार क्यों नहीं अनीता जी को बुला के मैं भी एक बार इनको बताऊं कि भाई, वैसे तो हर शायद कोई भी लेडी ऐसी नहीं होगी जिसे कोई ना कोई रेसिपी सबको अपनी एज वाली लेडीज को तो सब। हाँ और कुछ स्पेशल आता होगा सबको। बिल्कुल हम को अंकल और आंटी से दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इन काफ़ी चीज़ें भी इनने हमने बताई डिस्कस की पहले एक डेढ़ घंटा, तो मज़ा आता है। मतलब जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने को देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास भी कोई भी रेसिपी, बिल्कुल आप भी अगर हमारे स्पेशल गेस्ट सीरीज में पार्ट लेना चाहें तो कमेंट करके मैसेज करके बता सकते हैं। बाकी मज़ा आ गया, बिल्कुल धन्यवाद आपका। और धन्यवाद तो तुम्हारा बेटा, तुमने मेरे को आज मौका दिया बनाने का। घर में तो पता नहीं कितनी बार बनाया, आज लोगों को देखने के लिए तुम्हारी वजह से मैं लोगों को बता पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मम्मी का भी अभी टेस्ट करना बाकी है तो एक बार अब मम्मी भी टेस्ट करेगी और मैं बताता हूँ। छोड़ती नहीं है चाहे कुछ भी हो रहा हो, हलवा तो मैं खाऊंगी। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मूंग दाल का है, और आप इसे 2 महीने भी फ्रिज में रखोगे तो खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा, ये मेरा अजमाया हुआ है 2 महीने तक रख के, इसलिए कह सकते हैं कि ये कैसा है, मीठा कैसा है। मीठा बढ़िया, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी और आप इसे जरूर ट्राई करोगे। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक और मस्त वीडियो के साथ मिलते हैं। अच्छा जी, नमस्कार सबको, नमस्ते। आप जरूर आजमा के देखिएगा इस रेसिपी को, और अच्छी लगे तो बताना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बाय बाय बाय।